हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ यंग वंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जितने में आपके एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस के नेम। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमारे पहले नंबर पे है एंटीलोप, और एंटीलोप को हम कहते हैं फ्रेंड्स हिरन। ओके, तो इसको डियर भी कहा जाता है, और इसका जो यंग वन है वो है काफ। नेक्स्ट है हमारा बियर, जिसका मींस होता है भालू, और इसके यंग वंस को हम कहते हैं कब। नेक्स्ट है हमारा बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब एक शिकारी जानवर है, जिसके यंग वन को हम कहते हैं वेल्प। इसके बाद आता है हमारा बीवर, और बीवर के यंग वंस को हम कहते हैं किट। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स, और बर्ड्स का जो यंग वंस होता है उसको हम कहते हैं फ्लैगलिंग या फिर नेस्टलिंग। इसके बाद हमारा है कैट, जिसके यंग वन होते हैं किटन। नेक्स्ट है हमारा कॉडफिश। कॉडफिश हमारी पानी में रहने वाली एक प्रकार की मछली होती है, जिसके यंग वंस होते हैं कॉडलिंग और स्प्रैट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे काउ। काउ का जो यंग वंस होते हैं वो होता है काफ, जिसको हम बछड़ा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डियर, और डियर का जो यंग वंस है वो है फॉन या अर्लिंग। नेक्स्ट है हमारा डॉग। तो डॉग का जो यंग वंस है फ्रेंड्स वो है पप, या फिर इसको पपी भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डक, और डक का जो यंग वंस है वो है डकलिंग। नेक्स्ट है हमारा ईगल, और ईगल का जो यंग वंस है उसको हम कहते हैं इगलेट। इसके बाद हमारा ईल, और ईल के यंग वंस को कहा जाता है फ्रेंड्स एल्बो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिफेंट, और एलिफेंट के यंग वंस को कहा जाता है काफ। इसके बाद एलिफेंट सील होती है, और एलिफेंट सील के जो यंग वंस होता है वो होता है वीनर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिश, और फिश का जो यंग वन होता है वो होता है फ्राई। ओके, और नेक्स्ट होता है हमारा फॉल, और फॉल का जो यंग वंस होता है उसको कहते हैं चिक या फिर चिकन। ओके, इसका लिखा हुआ है फॉक्स। तो फॉक्स मींस होता है लोमड़ी, और इसके जो यंग वन होता है वो होता है कब या फिर पप। इसके बाद हमारा है फ्रॉग। फ्रॉग के यंग वंस को कहा जाता है फ्रेंड्स पॉलीवॉग या फिर टैडपॉल। तो इसके बाद हमारा है गॉट, और गॉट के यंग वंस को कहा जाता है किड। इसके बाद आता है हमारा गूज। तो गूज के यंग वंस को फ्रेंड कहा जाता है गॉसलिंग। ओके, इसके बाद आता है हमारा ग्राउस, और ग्राउस के यंग वंस को कहा जाता है चीपर। इसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है गोनिया फॉल, और इसके यंग वन को हम फ्रेंड्स कहते हैं कीट। इसके बाद हमारा है हॉक। तो हॉक के यंग वंस को कहा जाता है आइस। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और यंग वंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे हैन। तो हैंस का जो यंग वन होता है वो होता है पोलेट। इसके बाद हमारा है हिप्पो, जिसको हम हिप्पोपोटामस भी कहते हैं, और इसका जो यंग वन है वो है काफ। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स, और हॉर्स का जो यंग वन होता है वो होता है फॉल या अर्लिंग। ओके, फिली काफी नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके बाद आता है कैंगरू। कैंगरू जिसका हम जो यंग वन है वो कहते हैं उसको जॉय। और इसके बाद आता है हमारा लॉयन, जिसके यंग वन को कहा जाता है कब। और इसके बाद आता है हमारा आउल, जिसके यंग वन को हम कहते हैं आउलेट। और नेक्स्ट है हमारा पैट्रिज, और पैट्रिज के यंग वन को कहा जाता है चीपर। इसके बाद आता है हमारा पिग, और पिग के यंग वन को हम कहते हैं फ्रेंड्स पिगलेट, शॉर्ट, फैरो या सकलिंग। नेक्स्ट है हमारा पिजन, और पिजन का जो यंग वन है वो होता है हमारा स्क्वैब या स्क्वेकर। इसके बाद है हमारा रैट, जिसका यंग वन है हमारा पप। इसके बाद आता है हमारा राइनो, और राइनो का जो यंग वन होता है फ्रेंड्स वो होता है काफ। नेक्स्ट होता है हमारा रूस्टर, और रूस्टर भी एक प्रकार का हमारा जो हैन होता है, मुर्गा होता है, उससे बिलोंग करता है। ओके, और नेक्स्ट है एक सैल्मन। सैल्मन एक प्रकार की हमारी फिश होती है, मछली होती है, जिसके यंग वन को हम कहते हैं पर स्मॉल्ट ग्रिजल। इसके बाद है हमारा सील। तो सील जो मछली होती है उसके यंग वंस को भी हम पप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शार्क। शार्क के यंग वंस को हम कब कहते हैं। नेक्स्ट है सीप,
और सीप के यंग वंस को कहा जाता है लैम या लैमकेंस। नेक्स्ट है श्वान, श्वान के यंग वंस को कहा जाता है सिग्नेट। इसके बाद आता है टाइगर, तो टाइगर का जो यंग वन होता है वो भी होता है कब और वेल। इसके बाद आता है हमारा टर्की, टर्की हमारा होता है एक प्रकार का शुतुरमुर्ग, तो इसके की इसका जो यंग वन होता है वो होता है पल्ट। और इसके बाद है हमारा व्हेल, और व्हेल का यंग वन होता है हमारा फ्रेंड्स काफ। नेक्स्ट है जेब्रा, और जेब्रा का होता है फॉल। इसके बाद आता है क्वेल, क्वेल को हम बटेर भी कहते हैं हिंदी में, और इसका यंग वन होता है चिपर। और नेक्स्ट है हमारा रैबिट, तो रैबिट का जो यंग वन है वो होता है बनी या फिर किट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे थे कुछ यंग वंस और उनके एनिमल्स नेम। तो आई होप ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।